Hi dear students, today I am going to teach moldable plow with the help of this handmade model. Okay, this is very useful to represent forces acting on moldable plow. Okay, so we start. Don't think about moldable plow part one. This is enough to understand its core concept. We are going to analyze the forces acting on MB plow. Dear friends, this is your MB plow. Okay. This is shear, mold board, shear point. It penetrates and break the soil. Okay. And this is your land side. साइड से देखिए, इधर से थोड़ा ज्यादा मोड़ मोड़ प्लाव दिख रहा है लैंड साइड. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेबल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेबल. ओके, एंड दिस इज पुल प्रोवाइडेड बाय ट्रैक्टर टू दिस मोड़ मोड़ प्लाव. सो इसको भी फिक्स कर लेते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुल. पेन को मैं अभी रख देता हूं. एक बार फोर्स का जो है ना एक्शन देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीजें. एकदम जो आपको पॉइंट करता हुआ है, दिस पॉइंटिंग लाइन इज लाइन ऑफ ट्रेवल ऑफ दिस एमबी प्लाउ एंड दिस इज पुल प्रोवाइडेड बाय ट्रैक्टर टू दिस मोल्डेबल प्लाउ. दिस इज पुल. ध्यान से देखिए, साइड से दिखाऊंगा आपको दिख जाएगा और अच्छा. ओके, फ्रंट से देखेंगे दिस इज लाइन ऑफ ट्रेबल एंड दिस इज 3D पुल. ओके, एंड दिस इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स आर. दिस इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स आर. तो पूरा ध्यान से देखिए आप कैसे जो है फोर्स एक्ट हो रहा है. थोड़ा सा इसको पकड़ना है ना, तीन तीन लाइन को, तो उसको हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है. अरेंजमेंट के बाद जो है सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा. भाई फिक्स हो जाए प्रॉपर वे में. यस, मैंने पकड़ लिया. ठीक है, देख लीजिए, ये दिस इज लाइन ऑफ ट्रेबल. मोड़ प्लाव इज मूविंग अलोंग दिस लाइन एंड दिस इज पुल बाय ट्रैक्टर ऑन दिस प्लाव बॉटम एंड दिस इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स. इट इज ऑल्सो इन जनरल 3D force. It lies in a space. Okay. Take the component of this useful soil reaction force R in horizontal plane. So, एकदम नीचे उतरेगा. By this angle. This angle is measured in vertical plane. From horizontal plane. Vertical plane में measure किया जाएगा. लेकिन किससे measure करा जा रहा है? Horizontal plane के respect में. Okay. This angle is called theta naught. ओके, हमने अभी प्लेनर फोर्स को ही रिप्रेजेंट किया है. सो गाइस, दिस इज RH. प्लाउ बॉटम इज मूविंग लाइक दिस. RH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स. इट विल अपोज द मूवमेंट ऑफ प्लाउ बॉटम. सो लाइन ऑफ एक्शन इधर की तरफ होगी. एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी RH की. एंड RH क्या हो जाएगा? RH इज 3D सॉइल रिएक्शन, यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स. And it is making angle theta naught with horizontal. So R cos theta naught. This is horizontal component of useful soil reaction force. Now friends, this RH comes in horizontal plane. अब देखिए RH जो है आपका horizontal plane में आ चुका है. Line of travel. This is RH. RH has two component. One parallel to line of travel. That is called L. So, in order to calculate L, we need this angle. RH is making angle alpha naught with line of travel. RH is making angle alpha naught with line of travel. This is line of travel. Okay. So, the component of RH parallel to line of travel, RH cos of alpha naught. RH has one another component perpendicular to this line of travel.
दिस इज कॉल्ड लेटरल कंपोनेंट ऑफ सोयल रिएक्शन फोर्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एस। ये साइड थ्रस्ट फोर्स भी बाद में कहलाएगा, देखते हैं। सो एस क्या हो जाएगा, इधर लिया आर एच कॉस अल्फा नॉट, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐसे वाले लेटरल आर एच साइन अल्फा नॉट। ओके, आर एच वो हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, आर का एक आर का जो है ना मैंने प्रोजेक्शन लिया प्लेन में, तो आर एच बना एक कंपोनेंट आर का जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ऐसे डाउनवर्ड होगी, दिस इज वी। सो एक 3D फोर्स को मैंने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। इस आर एच वर्टिकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज मेकिंग एंगल थीटा नॉट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर इज सिंपली आर साइन थीटा नॉट। सो दिस आर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ यूजफुल सोयल रिएक्शन फोर्स आर। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स वी कंसीडर पुल बाय ट्रैक्टर ऑन दिस इंप्लीमेंट is acting along this line. This is your line of travel. So, this line of pull is making angle theta from horizontal. This line of pull is making angle theta from horizontal. This line lies in horizontal plane. So, I am using for reference for the measurement of angle between line of pull and horizontal plane. Okay. So this angle is, this is horizontal plane. So this angle is theta. Take the component of pull in horizontal plane. Take the component of pull in horizontal plane. This becomes PH. P is symbol for 3D pull. After taking its component in horizontal plane, it becomes PH. Okay, and it lies in horizontal plane. It lies in horizontal plane. So friends, PH is 3D pull cos of theta with reference to this line of travel. It has two components along the line of travel and perpendicular to line of travel. Component of pull in horizontal plane along line of travel is called draft px. Draft. So angle is required. This is ph in horizontal plane. It is making angle alpha from the line of travel. So ph cos alpha is draft. And draft is required in order to decide the power of tractor. Tractor की power को decide करने के लिए कि भाई कितने power की हमें tractor चाहिए, draft की requirement है। यहीं से हमारा drawbar power calculate होगा। Another component of this PH perpendicular to the line of travel is called side draft. Side draft. We use symbol PY. So side draft becomes PH sine alpha. Okay. So first we consider all the forces acting in a lateral direction, perpendicular to the direction of travel. This is the line of travel. Mole ball plow is moving in this direction. Mole ball plow is moving in this direction. So collect all the forces acting perpendicular to the line of travel. One component of this useful soil reaction force R that is called S is acting perpendicular to the line of travel. Aise act karega. Dekho, S is acting like this. One component of the pull is acting in lateral direction that is perpendicular to the line of travel. Ek component idhar lag raha tha. Kaun tha wo? PH sin alpha. Okay, now friends
रोल ऑफ दिस लैंडस्लाइड कम्स इनटू पिक्चर। अब ये लैंडस्लाइड क्या करेगा, लैंडस्लाइड विल प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ दिस एमबी प्लाउ अगेंस्ट दिस टू लेटरल फोर्सेस इन एसोसिएशन विथ फॉरवॉल, बिकॉज दिस इज अ प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एंड विथ द हेल्प ऑफ एसेसरीज फॉरवॉल इज वेरी क्लियर एंड इट इज मूविंग इन अटैच मैनर विथ फॉरवॉल। ओके सो गाइज, फॉरवॉल विल अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन लैंडस्लाइड अगेंस्ट लैटरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस एमबी प्लाउ ड्यू टू वन कंपोनेंट ऑफ द सॉइल रिएक्शन फोर्स एंड ड्यू टू साइड ड्राफ्ट। तो क्या हो जाएगा, इधर से जो सपोर्ट आने वाला है, इधर से जो रिएक्शन लगने वाला है फॉरवॉल से, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाई फॉरवॉल ऑन दिस लैंडस्लाइड इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबॉल एस प्राइम एंड इट इज सम ऑफ लैटरल कंपोनेंट ऑफ दिस आर एच प्लस लैटरल कंपोनेंट ऑफ दिस पी एच साइन अल्फा। दिस इज रिएक्शन ऑन द लैंड साइड ड्यू टू फॉरवॉल। तो इसलिए वर्टिकल दोनों का जो ना संबंध रहेगा, कॉन्टेक्ट रहेगा, तब जाकर ये प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा इस प्लाव बॉटम को और तब मूव होगी, अदरवाइज जो है ना लैटरल डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो दिस इज एस प्राइम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन लैंड साइड बाय फॉरवॉल एस प्राइम। मोल्ड विल प्लाव इज पेनिट्रेटिंग एंड it is moving along the line of travel. So this landslide is sliding along forwall. So friction force opposite to the direction of sliding by the forwall on landslide will act. Normal reaction force S prime hai, so friction force aapko lagenge yahan par mu S prime, where mu is the कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सोइल एंड मेटल। फॉरवॉल क्या है, सोइल है, और मोल्ड बोल्ट प्लाउ का लैंडस्लाइड क्या है, मेटालिक है। प्लास्टिक कवर भी कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ओके सो ऑन लैंडस्लाइड एस प्राइम एंड म्यू एस प्राइम दिस टू परपेंडिकुलर फोर्सेस आर एक्टिंग, its resultant is called q, because s and mu s prime lie in horizontal plane, so this q is qh and q is parasitic force. According to Clyde, for the ease of analysis of the mold board plow, soil reaction force is divided into two categories: useful soil reaction force and parasitic soil reaction force. Useful soil reaction force act on the mold board plow due to penetrating, cutting, lifting, inverting, pulverizing and giving some velocity to slice, furrow slice. So these are actual plowing operation and the forces involved in this all operation, penetrating, cutting, lifting, inverting and providing some velocity, pulverizing. So forces required for such operations wo aapke kya ho jayenge, useful soil reaction force ho jayenge. This is functionality of MB plow. But dear students, in order to perform this functionality, this mold board plow will experience S prime by forwall. This is normal reaction force, and this landslide is sliding against forwall. So this will experience
friction force. This friction force is not necessary. This is producing killing effect here. This is increasing power requirement. But we can't avoid. This is coming due to operation. Because this plow is penetrating and moving through the soil. So this must appear. This is not useful. So it is called parasitic soil reaction force. Okay. So friends, a horizontal component of parasitic soil reaction force is represented by QH. And it is S prime square plus mu S prime whole square square root. Because S prime, mu S prime, these two are mutually perpendicular forces. So this is the way to find the resultant of these two forces. So I have explained all the forces acting on MB plow. Sab kuch main yahan par aapko show kar diya horizontal plane mein. Okay, now write horizontal equilibrium equation. Forces acting on MB plow are pulling force, useful soil reaction force, parasitic force, weight of implement. इससे ज्यादा कोई फोर्स लगता है क्या? एक रिएक्शन लगेगा सॉइल का, उसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया R and Q में. इन वेक्टर फॉर्म P प्लस R प्लस Q प्लस वेट ऑफ इंप्लीमेंट क्या होगा? Because plow bottom is moving with constant velocity, a body which is moving with constant velocity has zero acceleration. According to Newton's second law of the motion, all the forces, sum of all the forces acting on a body which is moving with constant velocity is equal to zero. So if plow bottom is moving with constant velocity and this is actual situation, then vector sum of all forces will give zero value. Then now dear students, we try to write this 3D force equilibrium equation in horizontal and vertical plane. We can easily write. Take the component of pull in horizontal plane. Take the component of useful soil reaction force in horizontal plane. Take the component of parasitic force in horizontal plane. And take the component of weight of the implement. Weight is acting vertically downward. If you take its component in horizontal plane, that is aligned parallel to horizontal plane, this will give zero value. So dear students, this is modified force equilibrium equation in horizontal plane. PH, horizontal component of the pool, is negative of resultant of useful and parasitic soil reaction forces RH QH in horizontal plane. यानी RH and QH का जो resultant होगा ना, उसके opposite आपका PH लगेगा. Magnitude same होंगे. Magnitude of this horizontal component of pull provided by tractor on the implement is equal to magnitude of resultant of these two forces, or simply magnitude of soil reaction force. Soil reaction force दो part में divide किया गया, useful soil reaction force and parasitic soil reaction force. Okay, तो हमने अलग अलग कर दिया. Horizontal plane में बात की जा रही है. So magnitude of horizontal component of the pull is equal to resultant of useful soil reaction force in horizontal plane and parasitic soil reaction force in horizontal plane. But direction will be opposite to the resultant of these two vectors. It's a very simple concept. Tractor ko pull kitna lagana hai, jitna usko rok raha hai, jitna usko oppose kar raha hai, utna hi lagana hai. Opposing kaun hai? MB plow is actually breaking the soil, moving through the soil. That soil has some strength. So in order to break a strengthful material, we have to apply force equal to the strength of the material.
ओके सो गाइस RH plus QH has RH plus QH is actually coming due to the strength of the soil and some parasitic forces which are involved here. So we have to apply, our tractor has to apply force equal and opposite to the direction of resultant of these two forces. तो इस logic simple logic से भी आप समझ सकते हो. आगे और diagram में clear करेंगे. ये तो भूमिका था. Okay. अब इसको मैं इस model को रखता हूँ नीचे. इसके सूखने का इंतजार कर रहा था. मैंने इसको थोड़ा सा bend किया था. Fevicol लाया इसको. Fevicol इस पर डाला ताकि जो है ना ये mold वाले ही position में बना रहा जाए. Okay. तो लग रहा है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत MB plow दिख रहा है. हमारा काम चल गया इससे. हमने इसको तीन केस में ब्रेक किया है. आइए तीनों केस में जो है ना हम अलग अलग इसकी स्टडी करते हैं. ओके केस नंबर वन, ये आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है. इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल इज इक्वल एंड अपोजिट टू RH, बस इस लाइन को पढ़ो और हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो और इस इंफॉर्मेशन को उसमें पुट करो. Okay, just read the line and put the information given here in horizontal force equilibrium equation. PH plus RH plus QH is equal to zero because MB plow is moving with constant velocity. PH is equal to minus of resultant of RH and QH. It is given in the problem. Horizontal component of the pool is equal and opposite to RH. Horizontal component of the pool is equal and opposite to RH. It means QH is zero. Now we see the consequences of its zero value. जब ये zero होता है तो इसका क्या जो है ना further explanation है? Expansion क्या है? QH is zero. QH is S prime square plus mu S prime square square root. ऐसा तभी हो सकता है जब s प्राइम जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आ गया. चलो स्टूडेंट्स, इसमें आपका s प्राइम जीरो है एंड वी नो s प्राइम इज लैटरल कंपोनेंट ऑफ यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स s प्लस लैटरल कंपोनेंट ऑफ पुल PH साइन अल्फा. इसको जीरो होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा और इस अल्फा को जीरो होना पड़ेगा. अल्फा इज एंगल बिटवीन पीएच एंड लाइन ऑफ ट्रेबल. सो अल्फा इज जीरो, एस इज जीरो. एस जीरो मींस आरएच हैज ओनली वन कंपोनेंट एल. एच इज जीरो, इट मींस आरएच हैज सिंगल कंपोनेंट एल. इट मींस RH is parallel to line of travel. This is a special case. But in general, RH is inclined by angle alpha naught from line of travel. Okay. But in this special case, if a horizontal component of the pool is equal and opposite to RH, this will give this result. RH has only one component. It means RH is not inclined with a line of travel. It has only one component L. Alpha zero. Alpha is the angle between PH and line of travel. It means if you take the component of P in horizontal plane, it comes parallel to the line of travel. In that case, guys, we'll see zero value. Clear? तो चलिए अब RH को हम क्या बोल सकते हैं? RH को हम केवल longitudinal component longitudinal component, it has only one, it has only longitudinal component. RH क्या होती है? L plus S होती है. तो ये तो गायब है, केवल ये आया. तो आपका जो PH है, PH is equal to minus RH vector form में and minus RH क्या है? Minus L vector है. Magnitude क्या हो जाएगा? PH की magnitude RH का मैग्नीट्यूड और RH के पास एक ही कंपोनेंट है L, ये हो जाएगी. डियर स्टूडेंट, ड्राफ्ट की मैं बात करूं, PX ड्राफ्ट इज PH
कॉस अल्फा, अल्फा इज जीरो, इसके जो है ना जब डिकोड किया गया तो ये अल्फा और एस जीरो आया, तो अल्फा जीरो इसका मतलब ये पीएच ही हमारा ड्राफ्ट है। तो देख लीजिए, जब भी हम पुल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेंगे वो पीएच होगा, और पीएच वो लाइन ऑफ ट्रेवल के लॉन्ग होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो ड्राफ्ट होगी, और वही जो है ना सॉइल रिएक्शन, यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वही एल होगा। एस इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल डायग्राम आपका बनेगा, क्लियर। ऐसे तो जानते हैं ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। अब मैं इसको इस डायग्राम से दिखाता हूं, ये क्या हैपनिंग है यहां पर, उसको देखिए जरा। इसको मैं रख दू, मैं तो आज दिन ही में क्लास लेता, सूखने का इंतजार कर रहा था इसका, सूखा है पहले ये फेविकॉल, तब जाकर ये सही बने। तो जो है दिस इज लाइन ऑफ ट्रेबल, इस केस का मैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेबल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पी, देखो एकदम एक ही प्लेन में दोनों, बोथ आर लाइंग इन द सेम वर्टिकल प्लेन, लाइन ऑफ ट्रेवल और ये जो पुल है आपको जो है ना एक ही प्लेन में है, एक ही वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल दिस इज लाइंग इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है ना वर्टिकल, एक ही वर्टिकल प्लेन में। जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, वो पीएच होगा, एंड पीएच इज नॉट मेकिंग एंगल विथ दिस लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज एमबी प्लाउ इज मूविंग लाइक दिस, एमबी प्लाउ इस तरह से नहीं फिलाएगा आप लोगों को, MB plow is moving like this, थोड़ा सा लैंड साइड देख लीजिए, MB plow is moving like this, this is line of travel and pull provided by tractor to this implement is oriented like this, if you take the component of this pull in horizontal plane, if it comes parallel to line of travel, it means alpha is zero and it is itself dropped, ऐसा। Now we bring useful soil reaction force in this analysis, वो भी आपका जो ना ऐसे ही लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे, ठीक है, ऐसे ही लगेंगे। जब उसका horizontal component लेंगे आप तो यही आएगा, और उसके पास केवल L ही है, S zero है दोस्तों। actual में क्या है कि ये जो है ना आपका soil reaction force ऐसे लग रहा है, और बस इसी के opposite जो है ना आपको pull लगा देना है। This useful soil reaction force R is acting like this, it is also lying in vertical plane passing through line of travel, okay, if you take the component of this R it becomes RH and it is parallel to the line of travel, because S is zero so it has only longitudinal component, so it is L itself, okay। So friends, jo hamara pull hai jo tractor ki lag rahi hai aise, इसलिए लग रही है कि सॉइल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, बहुत सिंपल केस था। नाउ वी कंसीडर सेकेंड केस, इफ द हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल विद पैरासिटिक साइड थ्रस्ट फोर्स, ओके, पैरासिटिक साइड थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस सेकेंड केस, बट हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स केस कैसा है, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल and this is 3D pull provided by tractor to this implement, implement is MB plow, horizontal component of this pull, if this pull lies in vertical plane passing through this line of travel, take the component of pull in horizontal plane, it is parallel to line of travel, dekh lo line of travel ke parallel ho jayega, question mein kya diya hua hai, if the horizontal component of the pulling force is in the direction of travel, pulling force aise lagti hai to in the direction of travel hai, component horizontal lenge agar direction of travel hai, with parasitic thrust force, to friends yahan par s prime hai, thrust force s prime yahan par act ho raha hai, s prime is lateral component of useful soil reaction force R, that is S, plus lateral component of pulling force, pulling force to ऐसे act कर रहा है, pulling force is acting like this, if you take the component of pulling force in horizontal plane it comes like this, its component in lateral direction will be zero,
क्यों जीरो हुआ? क्योंकि अल्फा जीरो है, तो पीएच साइन अल्फा इसको क्या जीरो वैल्यू देगा, केवल एस लग रहा है, एस इज प्रेजेंट इन दिस केस, एस इज द लेटरल कंपोनेंट ऑफ आर एच। इसका मतलब इस बार आर एच जो है ना ऐसे नहीं लग रहा है, सॉरी आर एच इस लाइन ऑफ ट्रेवल के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब आर जो है ना, आर इज नॉट लाइंग इन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ ट्रेवल। इफ आर इज लाइंग इन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन ऑफ ट्रेवल, इफ यू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस आर, इट बिकम्स आर एच एंड इट हैज जीरो लैटरल कंपोनेंट, वाली लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, बट हियर लैटरल कंपोनेंट इज एग्जिस्टिंग, इट मींस आर इज नॉट लाइक दिस इन दिस सेकेंड केस। इस सेकेंड केस में आर कैसा है? आर इज इंक्लाइंड, आर इज एक्टिंग लाइक दिस। आर क्या? दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल और आर जो है ना इंक्लाइंड है, आर इज इंक्लाइंड, आर इज एक्टिंग लाइक दिस, नॉट एक्टिंग लाइक दिस, आर इज एक्टिंग लाइक दिस। टेक द कंपोनेंट ऑफ आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट बिकम्स आर एच, वन कंपोनेंट इज एल एंड अनदर कंपोनेंट इज एस। क्लियर? तो फ्रेंड्स वही यहां पर जो है ना, इस बार जब हम प्लेन मिलेंगे तो अल्फा नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा नॉट इज एग्जिस्टिंग हियर, दिस इज आर एच, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल। ओके, आर एच हैज टू कंपोनेंट, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट एंड लैटरल कंपोनेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, पी एच साइन अल्फा इज जीरो ड्यू टू जीरो वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इधर से जो फॉरो वॉल लैंड साइड पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, कितना करेगा? बस केवल एक ही आ रहा है, पुल के द्वारा जो ना कंपोनेंट इधर नहीं है, केवल यही आपका आएगा एस। ओके, दिस इज नॉर्मल फोर्स ऑन लैंड साइड, लैंड साइड इज मूविंग अगेंस्ट फॉरो वॉल, स्लाइडिंग, नॉट स्लाइडिंग, इट हैज स्लाइडिंग मोशन, सो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ओके, एस म्यू एस का जो रिजल्टेंट होगा यही है, दिस इज QH, horizontal component of parasitic force. QH हमारा calculate होके आ गया, done. Now we calculate draft in this case. Friends, PH is equal to PX. PH is itself draft because horizontal component of pulling force lies in the direction of travel. So entire pH is dropped. Alpha zero है, जिसकी वजह से जो है ना पूरी की पूरी pH इधर ही है, तो dropped हमारा पता है कितना है, pH है alpha हमारा zero है, pH sin alpha क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, side dropped क्या हो जाएंगे, zero हो जाएंगे। S prime वाला कहानी मैंने कह दिया है, pH is equal to minus of RH plus QH। अब vector form में हम काम करेंगे, ये टोटल के टोटल जो आप क्रिएशन देख रहे हैं ना, ये टोटल क्रिएशन, ये हमारे कई सालों के जो है ना मेहनत का परिणाम है। एमबी प्लाउ इज अब्सेंट इन द मार्केट, सॉल्यूशन ऑफ एमबी प्लाउ इज अब्सेंट इन द मार्केट, डिस्क प्लाउ इज अब्सेंट इन द मार्केट, कंबाइन इज अब्सेंट इन द मार्केट, ट्रैक्शन थ्योरी इन 100% ऑथेंटिक एंड करेक्ट मैनर अब्सेंट इन द मार्केट, मार्केट मीन्स बुक अवेलेबल इन द मार्केट, डिफरेंशियल थियरी अब्सेंट इन द मार्केट, प्रॉब्लम तो छोड़ ही दीजिए जो अपने एग्रीकल्चर में आता है। सो दैट गाइस, वी आर लीडिंग एंड वी आर किंग एंड आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग टॉप रैंक, 81 मार्क्स हिस्ट्री ब्रेक, वैभव अस्थिर गेट 2022, कहां से आ रहा है, यही सबसे ब्रेक हो रहा है। आर एच एल प्लस एस, RH has two component, longitudinal and lateral. तो हम vector form में ही बात करते, थोड़ा easy रहेगा। RH, vector L plus vector S. QH, now we explain QH, vector QH, vector form में ही। Dear students, अगर मैंने इसको बोल दिया vector S, तो ये क्या है? ये क्या है? Its magnitude is equal to S, but it is not vector S, it is minus vector S, and this is friction force.
opposite to the direction of travel. So QH is resultant of minus S vector plus friction vector. अब ये जुड़ेगा, ये कैंसिल हो गया. यानी कि शायद जो थ्रस्ट फोर्स ऐसे डेवलप हुआ है कि इस लेटरल कंपोनेंट को किल कर दिया. तो अब कौन बचा भैया, एक L बचा और एक F बचा. बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. तो इसका मतलब जो यहां से भी देखेंगे Px विच इज ड्रॉप्ड एंड क्या आ जाएगा L प्लस F का अपोजिट डायरेक्शन में. L और F, L बचा विच इज एक्टिंग लाइक दिस एंड F, ये F, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स बाय द फॉरो वॉल ऑन लाइन साइड. तो F आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लग रहा है. तो यहां से कॉन्सेप्ट से देखो L प्लस F बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो सिंपली इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो वेक्टर में, ये आप लोग जानते हो L प्लस F. यहां से भी आ रहा है कि Px इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ L एंड F. बोथ L एंड F आर एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. तो सिंपली इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे तो वो जो है ना ड्राफ्ट का वैल्यू आ जाएगा. और ड्राफ्ट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके रिएक्शन के अपोजिट होगी. ये आपका जो है ना यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स है एंड दिस इज पैरासिटिक फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स विच इज अपोजिंग द मूवमेंट. सो इन दिस सेकेंड केस थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, इन दिस सेकेंड केस पीएच इज ऑल्सो एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ ट्रेवल. pH is also acting along line of travel, but here RH has two components L and S. RH is not parallel to line of travel over first case. तो इसलिए RH के incline होने की वजह से, RH के incline होने की वजह से, RH के incline होने की वजह से S आया, उस S से friction develop हुआ. And now guys, we apply draft of L plus. This is a longitudinal soil reaction force which is opposing the movement of this plow bottom, and then we have to apply this amount of force in order to move this plow bottom, and additional force which is mu s acting on this plow bottom over direction of travel, and this is total draft requirement. Khalas, complex. Jitna difficult utna maza hai usme. Ye thumb rule band ke chalo mere baba. सही गाइडलाइंस होना चाहिए आपके पास, मास्टर सही होना चाहिए. वो डिफिकल्टी इसलिए कि कॉन्सेप्ट है उसमें, रटा नहीं हो पा रहा है, क्या करे समझ लेंगे तो खत्म हो जाएगा उस कहानी. थर्ड एंड लास्ट केस एंड देन आई विल सॉल्व थ्री इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. ओके एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सॉल्व इंटायर एमबी प्लाउ प्रॉब्लम. ओके देन वी लर्न मैकेनिक्स ऑफ soil tillage or disc plow. So if the 3D pool is angled to the left, this is general case. It is general case because most of the time pool by tractor on implement is angled to the left. If you see from the back side, aur udhar se dekhenge to angle to the right, aise. This is आर, देख लो पूरा के पूरा, देख लो पूरा, समझ लो अपना, बार बार देख, थोड़ा सा तीसरा करूंगा अपने आप समझ जाएगा. ये वाला लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल. एमबी प्लाउ इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल. देख लीजिए, दिस इज एमबी प्लाउ इज मूविंग थ्रू द सॉइल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल. दिस इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स आर लाइज इन 3D एंड दिस इज पुल एक्टिंग लाइक दिस. एरो इसकी इधर होगी, इसकी एरो इधर होगी बिकॉज दिस इज रिएक्शन एंड इट इज अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ दिस प्लाउ बॉटम. तो इसलिए जो अपोज करने वाला है ऐसे दबाना थे, एरो इसका ऐसे होगा बिकॉज दिस इज अ पुलिंग फोर्स. तो पुलिंग वाला के डायरेक्शन इधर होंगे. 3D pull एंगल टू द राइट. इफ यू सी दिस डायग्राम फ्रॉम बैक साइड ऐसे, तो ये आपका जनरल केस हो गया. नाउ इफ यू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस पी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, for this we need to know this angle. This angle is theta. Then pH becomes, this is P. If you take the component of P in horizontal plane, this is pH. For pH we need to know the angle between line of pull and horizontal plane. It is theta. pH, P cos
theta. To know the value of draft and side draft, we need this angle. PH line of travel. Angle between PH and line of travel. This angle is called alpha. So the draft PX, PH cos alpha. Because it is angled, so it has component perpendicular to the line of travel. This component is called side draft PY. This is draft. This is side draft. Okay. This is side draft. PH sine alpha. अब आप R के लिए बात करते हैं. R is acting like this. In order to know the value of R in horizontal plane, to take the component of R in horizontal plane, RH को जानना हो तो ये जो है ना कितना एंगल बना रहा है horizontal से, ये एंगल को जानना जरूरी है. ये एंगल कितनी बन रही है. This 3D R is making angle theta node from horizontal. Theta node. थीटा नोट पता चल गया. सो आर एच को जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाएंगे तो एरो इधर रहेगी, आर एच हमें निकल के आ गया. आर को जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाएंगे तो आर एच आ जाएगा, आर कॉस ऑफ थीटा नोट. ऐसे था ना, आर इसको जब इधर ले लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा, वी आर साइन थीटा नोट. फोर्स हमारा क्या है, थ्री डी स्पेस में तो थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक वी हो गया. RH has two components, one parallel to line of travel and another perpendicular to line of travel. If parallel to line of travel is called L, perpendicular line of travel is called S. So, hum baat karte hai RH. For this, we need to know this angle. Angle between RH and line of travel, alpha naught. Ekdam usi tarah hai, PH and line of travel, alpha, RH and line of travel, alpha naught. P and horizontal plane theta, R and horizontal plane theta node. अपने हिसाब से मैं बनाया हूं ताकि ज्यादा एंगल का घचार घचार पचार ना हो. तो फ्रेंड्स जो है ना, आप horizontal component find out करना हो, ये longitudinal component find out करना हो तो RH cos of this angle alpha node, L is equal to RH cos of alpha node. लैटरल कंपोनेंट निकालना हो, आर एच साइन ऑफ, सब कुछ यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा. डियर फ्रेंड्स, हियर एस इज एक्टिंग इन लैटरल डायरेक्शन. दिस पुल हैज कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन. सो एस प्राइम बिकम्स साइड थ्रस्ट फोर्स ऑन लैंड साइड बाय द फॉरवॉल, एस प्लस साइड ड्रॉप फोर्स. ये ट्रैक्टर के द्वारा पुल है ना, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ना, वो भी फ्रिक्शन बढ़ाने में जो है ना घुस जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा. क्या करे, पहुंचाने दो. पी एच साइन अल्फा. एस प्राइम इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लैंड साइड. ओके, ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, म्यू एस प्राइम. दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. S prime vector plus mu s prime vector, both are perpendicular to each other. Okay, तो ये आपका क्या हो गया, QH हो गया. सब कुछ निकाल लिया. Dear students, we have to calculate a draft in this third case. This is general case, and we have to find draft requirement. Draft requirement is important because we have to decide the power of the tractor to pull this implement. तो draft की requirement मुझे है. Draft is PH cos of alpha. And PH is minus of RH QH. सब कुछ अपने पास है. फ्रेंड्स, RH और QH के बीच की एंगल चाहिए मुझे इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ PH फ्रॉम वेक्टर रूल. मैग्नीट्यूड निकालना है PH की. PH की मैग्नीट्यूड आ जाएगी तो देन जो है ना हम ड्राफ्ट निकालेंगे PH cos of alpha. PH की मैग्नीट्यूड क्या होगी, RH square plus QH square plus 2RH QH cos of angle between RH and QH cos beta.
Next step is to find the angle between QH and RH. We have placed QH and RH on this diagram. Clear? और हमारा जो पीएच है ना आरएच और क्यूएच का रिजल्टेंट है और उसके अपोजिट है. तो पहले आरएच और क्यूएच का रिजल्टेंट, फर्स्ट फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ आरएच एंड क्यूएच. वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उस वेक्टर को फिक्स करो, आरएच एंड क्यूएच वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर उसको फिक्स करो, उसके अपोजिट में आपका पीएच लगेगा. सब कुछ दिखा दे रहा हूं बहुत क्लियरली, सारा मैं डिफाइन कर चुका हूं यहां पर. आइए इस डायग्राम में देख लीजिए सब. दिस इज QH, vector QH. This is vector RH. अब दोनों का point of application different है, तो हम इस vector को थोड़ा घसकाते हैं, घसका के यहां ला देंगे, तो थोड़ा इधर से छोटा कर दीजिएगा. ये dotted किया, छोटा कर दिया, ठीक है, आगे घसका के कर दिया. Then, now friends, we bring this QH vector here. उठा दो, parallel उठा के यहां रखो. So QH vector plus RH vector, this is resultant vector. But we have to take in its opposite direction for PH. तो देखो PH इधर लग रही है, बैंड बजा दिया ना इसका मैं, बता रहा मेरे स्टूडेंट को. चलो दिखा दिया. एंड नाउ वंस वी हैव फिक्स्ड द ओरिएंटेशन ऑफ पीएच, नाउ टेक द कंपोनेंट ऑफ पीएच अराउंड लाइन ऑफ ट्रेबल. ये एंगल चाहिए, दिस इज पीएच कॉस अल्फा, दिस इज ड्रॉप्ड कॉस अल्फा ड्रॉप्ड डीबीपी ड्रॉप ऑफ पावर ड्रॉप इनटू एसपी. यूनिट देख लेंगे, जो यूनिट में आएगा आपको निकल के आ जाएगा. डीबी ड्रॉप और पावर निकल गई, ठीक है. एफिशिएंसी कितनी है वो पता है, तो एक्सेल पर कितना पावर है वो निकल गया. ट्रांसमिशन लॉसेस पता है कहां से, चैनल ड्राइव, डिफरेंशियल, गियर बॉक्स, तो फिर हम इंजन पावर निकालेंगे, ठीक है. मैंने क्या बोला था, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पीएच व्हिच इज यूजफुल टू फाइंड ड्राफ्ट, वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन आरएच एंड क्यूएच बीटा. गाइस जब रिजल्टेंट निकाली जाती है ए एंड बी के बीच में, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो ये वाला एंगल मांगता है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट करने वाला सिस्टम बनाओ पहले, दोनों वेक्टर को ओरिजिनेट करने वाला, एंड देन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, वो एंगल चाहिए मुझे. तो अभी देखिए, दिस इज क्यू एच, वी नीड टू नो द एंगल बिटवीन क्यू एच एंड आर एच, एंड दिस इज आर एच. पहले तो जो ना एक पॉइंट पर लाओ, इसको आगे बढ़ाओ, दिस इज क्यू एच एंड दिस इज आर एच, ये एंगल है बीटा आपका, एंगल बिटवीन क्यू एच एंड आर एच, ये एंगल चाहिए. चलिए ठीक है, यही चाहिए तो हम देते हैं, यही तो है आपका क्यूएच लाइन, इसी को उठाकर लेके गया था मैं यहां पर. दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन इसको कट कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. अल्टरनेट एंगल आप लोग पढ़े हैं ना, जस्ट फाइंड दिस एंगल, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं, सारा कहानी खत्म. इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान है, अगर ये एंगल मुझे पता हो माइनस 180 माइनस दिस एंगल, ये निकल क्या जाएगा 180 माइनस दिस एंगल. अभी इस एंगल को निकालते हैं, इस एंगल के लिए अगर मुझे ये पता हो और ये पता हो तो ये एंगल निकल जाएगा, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फा, दिस एंगल ये वाला अंदर वाला, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस अल्फा नॉट, और ये एंगल कितना है फाई, फाई क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये और इसके बीच का एंगल, इसके बीच ये हमारा फाई है, फाई टेन फाई इज इस वाले ट्रेंगल में म्यू एस प्राइम अपॉन एस प्राइम, सो वी हैव फाई
इट्स वैल्यू इज नोन, फाइ पता चल गया और ये वाला अंदर वाला एंगल पता चल गया, तो जो है ना ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री माइनस अल्फा नॉट प्लस फाइ, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा नॉट प्लस फाइ। बेटा चलिए, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, जहां बीटा निकल गया आप जनरल केस में भी ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्टली। वी हैव प्रॉब्लम, बस दो तीन प्रॉब्लम रखा हूं, इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए जरूरी है। द रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स ऑन अ सिंगल वाटर मोल्ड वोल्ड प्लाउ हैज अ कंपोनेंट ऑफ 1200 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 31 डिग्री डाउनवर्ड इन वर्टिकल प्लेन। इट मीन्स रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन एंड दिस रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स इज मेकिंग एंगल 31 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन जो है ना बहुत सारा हो सकता है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन, ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, पर ढेर सारे वर्टिकल प्लेन है। कौन सा वर्टिकल प्लेन? दिस प्लेन इज अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल। ये वाले वर्टिकल प्लेन में जो हमारा क्या लग रहा है, सॉइल रिएक्शन फोर्स। अगर सॉइल रिएक्शन फोर्स इस वाले प्लेन में लगेगा, ठीक, साइड फोर्सेस के गायब हो जाएंगे, एस जीरो होगा इसका, क्योंकि जब इसका हम कंपोनेंट लेंगे तो वो आर एच होगा और वही एल भी होगा, क्योंकि एस इसके पास रहेंगे नहीं। क्लियर समझ में आ गया ना? सो दिस आर इज गिवन, आर इस बार जो है ना वर्टिकल प्लेन में लग रहा है 1200 न्यूटन, या इसे आप आरवी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आर और आरवी, ये खुद आरवी भी है, आर आर इन वर्टिकल प्लेन 1200 न्यूटन, ओके, एंड थीटा नॉट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम 31 डिग्री, जो आर हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाता है। डियर फ्रेंड्स, आर एच इज इटसेल्फ लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन फोर्स। आर एच क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो है ना कॉस 31 ले लेंगे। जो वी होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1200 sin 31 डिग्री हो जाएगा। सो वी हैव कैलकुलेटेड एल एंड वी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वेट ऑफ द इंप्लीमेंट इज, वेट ऑफ द इंप्लीमेंट इज 620 न्यूटन, नेग्लेक्टिंग द साइड फोर्सेस। अरे बाबा नेग्लेक्ट हो चुका है, तुम ऐसे ही ऊपर दिया हो ऐसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पुल इन न्यूटन वुड बी, पुल चाहिए मुझे, पुल पी, तो पुल के पास भी जो है दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जिस तरह आरएच के आर के दो कंपोनेंट होते हैं आरवी एंड आरएच, ओके, उसी तरह जो है ना आरएच एंड वी, तो उसी तरह जो है ना हमने पुल को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, इसको दो में ब्रेक करो, पीएच एंड पीवी, पीएच पीवी बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, देन पी क्या हो जाएगा, पीएच स्क्वायर प्लस पीवी स्क्वायर स्क्वायर रूट। गाइस फाइंड पीएच एंड पीवी, क्या हो गया प्रॉब्लम, पीएच एंड पीवी निकालना है। पीएच एंड पीवी, फर्स्ट वी राइट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन वी राइट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वर्टिकल प्लेन, विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच एंड पीवी। वंस वी हैव पीएच एंड पीवी, वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल पुल रिक्वायर्ड टू पुल दिस इंप्लीमेंट व्हिच इज सब्जेक्टेड टू दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ ट्रेवल। तो हमने एक पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल एक फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा, साइड फोर्स तो है ही नहीं, क्यूएच गायब हो जाएंगे, इसलिए हमारा आरएच जो होगा, आरएच पहले तो यहां से ये खत्म, पीएच सिंपली क्या होंगे, माइनस आरएच, वेक्टर फॉर्म में पीएच के मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आरएच के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, एस जीरो है तो आरएच ही खुद है, तो डियर स्टूडेंट्स पीएच निकल के आ गया, एल जो है वही हमारा क्या है, पीएच है, और एल हम निकाल चुके हैं, क्या है अभी जस्ट यहां निकाले हैं, एल 1200 cos 31, पीएच निकल गया। नाउ वी फाइंड पीवी, राइट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वर्टिकल प्लेन,
तो पुल का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में PV। उसके बाद R का जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो V बोलते हैं हम लोग, और वेट इंप्लीमेंट का लगेगा इज इक्वल टू जीरो। V हमने निकाल लिया, वेट गिवन है, PV भी निकल गया। अरे बाबा, वेक्टर फॉर्म में बात करना, बोथ V एंड W आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। V is because V is due to R like this, R ऐसे like हो रहा है, तो इसका V नीचे की तरफ होगा and weight भी नीचे की तरफ है। Both V and W are acting vertically downward, they have same direction. So simply इसके magnitude add हो जाएंगे and PV is opposite to resultant of these two vectors. तो PV का magnitude इन दोनों के resultant, दोनों same direction में है, तो दोनों के जो ना sum के equal होगा और opposite होगा। तो V and W दोनों पता है, निकल के आ गया PV, V and W को ऐड करो, निकला P, निकल के आ गया 1609. पता नहीं, तो ये आपका मैच कर गया, गेट का आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अ चीजल प्लाउ सपोर्टेड विथ लैंड व्हील रिक्वायर्स ड्राफ्ट फोर्स ऑफ 3500 न्यूटन। प्लाउ जो है ना हमारा सपोर्टेड है लैंडविल से, लैंडविल भी जो है उसके वेट को लेके चल रहा है कुछ वेट को। द रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाइल द पुल एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री एंगल बना रहा है। गाइस, रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन फोर्स इज मेकिंग एंगल 25 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इट मींस थीटा नॉट इज 25 डिग्री, इट इज गिवन एज पर आवर लास्ट डिस्कशन। व्हाइल द पुल एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, तो वही थीटा उसके लिए हम लोग सिंबॉल यूज करते हैं 35 डिग्री। इफ द वेट ऑफ द इंप्लीमेंट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड and draft force px, then we have to calculate the load supported by the land wheel. Guys, we will write force equilibrium equation in vertical direction, then we detect the forces acting on land wheel and we are very comfortable to find that value. So pehle jo hai hame vertical direction mein force equilibrium equation likhne chalna hai, chalte hain, chale। चलिए, ये आपका जो ना चीजल प्लाउ हो गया, सिमेट्रिक डायग्राम है, माफ कीजिएगा डायग्राम अच्छा नहीं है तो हमें माफ करें आप। आर का कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड वी। वेट ऑफ इंप्लीमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज डब्ल्यू। पुल का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड पीवी। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस चीजल प्लाउ इज सपोर्टेड बाय लैंड व्हील, लैंड व्हील सपोर्टेड है, एक ही लैंड व्हील दिया गया, तो इस पर जो है नीचे से सॉइल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसको इसका पार्ट मानो। सो अगर इस लैंड व्हील को इसका पार्ट मानेंगे तो इस पर जो है ना एक सपोर्टिंग फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कंबाइंड चीजल प्लाउ एंड व्हील सिस्टम हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ राइट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वर्टिकल प्लेन, लिख पी एंड डब्ल्यू प्राइम बोथ आर एक्टिंग, दिस इज लोड सपोर्टेड बाय लैंड व्हील। लोड लैंड व्हील पर कितनी आ रहा है उतना ही रिएक्शन इसको मिलेगा। लैंड व्हील इज सपोर्टिंग दिस चीजल प्लाउ अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस, सो रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन दिस लैंड व्हील इज एक्चुअली इंडिकेशन ऑफ द फोर्सेस सपोर्टेड बाय दिस लैंड व्हील विच इज एक्टिंग ऑन दिस चीजल प्लाउ। तो इट्स वेरी सिंपल टू राइट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, पी वी W prime both are acting vertically upward and V and W are acting vertically downward. So it's very simple to write this equation. सब एक ही लाइन के लॉन्ग है तो फिर आसान है वेक्टर सम, PV plus W prime is equal to V plus W. We have to find the load supported by land wheel. क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा V plus W minus PV। करना क्या है अब पता चल गया, करना क्या है, धरना क्या है, जब तक ही नहीं पता चलेगा बनेगा क्या, वैसे पढ़ते थोड़ा ही नहीं मेरे भाई, पढ़ाई ऐसे किया जाता है। पूछ क्या रहा है, अब मुझे जो है ना डायरेक्शन मिल गया, नाउ वी हैव अ डायरेक्शन टू गो फॉर कैलकुलेशन। वी हैव टू कैलकुलेट वी, वी इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ
soil reaction force. W, weight of implement is given in the problem. Weight of implement is given. And PB, component of pulling force in vertical direction. It's very simple. So angle to diya hua hai. V kya hota hai? V is R sine theta naught. V is R sine theta naught. R is useful soil reaction force. PV is making theta angle with horizontal to vertical 90 minus theta. P cos 90 minus theta. P sine theta. Theta and theta both are given. भाई आप क्या चाहिए? अब मुझे R चाहिए और मुझे P चाहिए. देख कैसे अपने आप को घुमाते चले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जहां पर मुझे जरूरत है. अब मुझे केवल R चाहिए, P चाहिए. चल काम करते हैं R के लिए. डियर फ्रेंड्स, देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फा नॉट. अल्फा नॉट क्या होता है? आर एच एंड लाइन ऑफ ट्रेवल के बीच की एंगल. नहीं दिया है तो पॉसिबिलिटी इसको गैप कर, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा. अभी एक्सपीरियंस से पता आपको चल जाएगा, क्योंकि वो एक डेटा मिसिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. अल्फा नॉट इज एंगल बिटवीन आर एच एंड लाइन ऑफ ट्रेवल. इफ यू टेक द कंपोनेंट ऑफ आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट बिकम्स आर एच. इफ इट इज इंक्लाइंड विथ लाइन ऑफ ट्रेवल, दैट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज रिक्वायर्ड. बट हियर एंगल, दैट एंगल इज नॉट नोन, सो वी थ्रू इट. R is acting in vertical plane. R is acting in vertical plane passing through line of travel. So it has only longitudinal component. Aisa. Manna padega. Side thrust force gaib. So RH keval jo hai na L hi hai. Ek hi component hai L. Parasitic force aise hi gaib ho jayenge. Kyunki S hai nahi. S and mu S gaib ho jayega. Simplify ho. Tab solve hoga, nahi to nahi solve hoga. Chinta na kar, main answer laake dikha dunga. The problem हमारा simplify हो गया. Now friends, we know PH is equal to RS plus QH in vector form. यहाँ से ये zero है, तो PH आपका क्या है? RH है, वही हमारा L है. PH. Done. PH कितना एंगल बना रहा line of trends है? This is not given in the problem. Again guys, जिस तरह alpha not को zero समझा है, alpha को भी zero समझ. और पीएच आरएच के इक्वल हो जाए, ऐसा पहला वाला केस था हमारा. ऐसा तभी पॉसिबल है जब अल्फा नॉट अल्फा जीरो हो, एंगल बिटवीन पीएच एंड लाइन ऑफ ट्रेबल ये इसके अलोंग हो जाए. ऐसा पॉसिबल तभी, देखो ना, इसी के अलोंग है और इसके पास केवल एक ही कंपोनेंट है. दिस इज लाइंग अलोंग लाइन ऑफ ट्रेबल. सो ये लाइन ऑफ ट्रेबल में लाई कर रहा है उसी, तो ये भी लाइन ऑफ ट्रेबल में लाई कर रहा है. अल्फा ऐसे ही जीरो, इसका कहने की जरूरत नहीं है. पीएच हमारा जीरो है. हमें क्या चाहिए था? पी चाहिए था. पीएच इज लाइंग अलोंग लाइन ऑफ ट्रेवल, सो इट इज इटसेल्फ ड्राफ्ट फोर्स, एंड ड्राफ्ट फोर्स इज गिवन इन द प्रॉब्लम 3500. पीएच इज पी कॉस थीटा, एंड थीटा इज गिवन इन द प्रॉब्लम 35 डिग्री. डियर फ्रेंड्स, यहां से पी निकल के आ गया. जैसे ही पी निकल के आ गया, पी भी आपका आ गया. अब आर की बारी आ रही है. आर की बारी है. डियर स्टूडेंट्स, आर एच इज एल एंड इट इज आर एच इज एल एंड इट इज ड्राफ्ट इटसेल्फ, है ना. पी एच पी एक्स 3500, ये ड्राफ्ट 3500 ही है. तो 3500 ये है आर एच. आर एच क्या होता है? आर आर cos theta naught. Theta naught is given. So R भी यहां से निकल गया. R निकल के V निकल के आ गया. पुट करो, खत्म. पानी करो बकवास. हाथ पर बनाने वाला सब प्रॉब्लम है. This is last problem and generalized problem. बस दो मिनट में इसको खत्म कर देता हूं. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. A lift handed moldable plow bottom has a draft of 1.96 kilonewton. When it operates without side draft जब नहीं है तो जो है ना draft की requirement कितनी है? 1.96 kilonewton. Side draft means tractor is actually applying pull
in a vertical plane passing through line of travel, in that case side draft will be zero. जो P का कंपोनेंट लेटरल डायरेक्शन में कब नहीं आएगा, जब पुल जो होगा हमारा वर्टिकल प्लेन लाइन ऑफ ट्रेवल से पास करता हुआ प्लेन में हो, तभी साइड ड्राफ्ट जीरो होंगे. ओके, व्हेन इट ऑपरेट विदाउट साइड ड्राफ्ट, द थ्रस्ट ऑन द लैंड साइड इज 590 न्यूटन. Thrust S is given. Coefficient of soil metal friction mu is given. What will be the change in draft if the plow is pulled at an angle of 10 degree? In the first case, plow bottom is pulled by pulling force lying in a vertical plane passing through the line of travel. And now in the second case, it is angled by 10 degree to the left. So left kya hai? Ye left-handed mode plow kaise hoga? This is line of travel. सॉइल किधर फेंका जा रहा है उसके हिसाब से देखा जाता है. इफ वी व्यू द मूवमेंट ऑफ द सॉइल इन दिस डायरेक्शन, तो सॉइल इज टर्न्ड एंड मूव्ड इन दिस डायरेक्शन. अगर इधर से देखोगे तो लेफ्ट ही है. एंड वी हैव टू चेंज द पुलिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट बाय 10 डिग्री. इधर से 10 डिग्री चला जाएगा, तब ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो निकालो, और पहला वाला ड्राफ्ट है दोनों का डिफरेंस निकालो. दिस इज द आंसर. द यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स रिमेंस अनचेंज. दोनों ही केस में यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स में चेंजिंग नहीं हो रही है. अब देखिए काहे नहीं चेंज होगा. इन द फर्स्ट केस पुलिंग फोर्स इज लाइंग इन द प्लेन इन द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ ट्रेवल एंड इट इज रिकॉर्डिंग दिस अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट फोर्स. In the second case, it is angled by 10 degree, but it is still plowing the same field. R is actually coming from the strength of the soil. R कहाँ से आ रहा है? R कहाँ से आ रहा है? R is useful soil reaction force, and it appears or it acts on the plow bottom when we are trying to penetrate, cut, lift. टर्न, पल्वराइज एंड मूव विथ सम वेलोसिटी, उसकी वजह से आ रही है. वो सब कुछ सेम रहेगा तो आर क्यों बदलेगा? आप तिरछा खींच रहे हो, अब पुल जो है ना ट्रैक्टर ऐसे अप्लाई कर रहा, पहले ऐसे अप्लाई कर रहा था लाइन ऑफ ट्रेवल के एकदम प्लेन में था, अब ऐसे हो रहा है तो जाओ ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा. अब जो है ना पुलिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, रीजन क्योंकि एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और S की वैल्यू जो है ना इधर से जो S प्राइम है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेंगे, फ्रिक्शन बढ़ेंगे तो L प्लस फ्रिक्शन, यही तो हमारा क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. तो इंटायर प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया. तो आइए हम बात करते हैं. S इज गिवेन, म्यू इज गिवेन, गिवेन दैट देयर इज नो साइड ड्राफ्ट. साइड ड्राफ्ट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पीएच इज ड्राफ्ट इटसेल्फ, वो खुद ड्राफ्ट ही है. पहले वाले केस मैन इट इज 1.96 किलो न्यूटन, पीएच इज इक्वल टू माइनस आर एच प्लस क्यू एच, एंड पीएच ही हमारा ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को पीएच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस आर एच क्यू एच. अगेन गाइस वी आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन. ओके, आर एच एल प्लस एस एंड क्यू एच माइनस एस वैक्टर, बिकॉज एस वैक्टर इज रिजर्व फॉर दिस लाइन. Okay, and so this is minus S vector plus friction. ये cancel हो जाएगा, केवल ये आएगा. ये first case में है जब हमारा side draft नहीं है, angled नहीं है. Angle करेंगे तब जो ना दूसरे case में हमारा draft बढ़ेगा. तो first case का जो है ना हमारा वो calculate होके आएगा. Okay, L plus F. Since both L F are acting in the opposite direction of the travel, तो जो हमारा PX जो था L and F, मतलब L और friction force का sum था, तो PH simply L plus mu S हो जाएगा. PH ही PX है हमारा, draft is equal to L plus mu and S given है, so L is obtained. हमने L को find out कर लिया इसकी मदद से, जो पहला वाला information था उसकी मदद से. Longitudinal component of useful soil reaction force is known. L हमें नोन है, S नोन है, एंड वी नो
tan alpha naught is equal to s upon l. कैसे? s is rh sin alpha naught, l is rh cos alpha naught ratio. s upon l tan alpha naught, alpha naught tan inverse s upon l. s is known and l already we have calculated, तो यहां से हमारा अल्फा नॉट निकल के आ जाएगा. जैसे ही अल्फा नॉट निकल के आ जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा जो है ना s क्या होता है, s इज इक्वल टू आर एच साइन अल्फा नॉट. ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड अल्फा नॉट, s इज गिवेन, आर एच हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आर एच निकल के आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये जो है ना हमें सेम रखना है, दूसरे केस में जंप करते हैं. नाउ वी जंप फॉर द सेकेंड केस. सेकेंड केस में गाइज आपका जो है ना ये जनरलाइज केस हो गया. जनरलाइज केस मीन्स पुल इज एंगल्ड एंड आर एच हैज ऑल कंपोनेंट्स. पहले वाले में भी आर एच के दोनों कंपोनेंट थे, एस भी थे एल भी थे. अपार्ट फ्रॉम दिस टू कंपोनेंट इन द सेकेंड केस वी आर गोइंग टू सी साइड ड्रॉप फोर्स पी एच साइन अल्फा नॉड. सो अल्फा नॉड 10 डिग्री आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर वो हम कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ ड्राफ्ट निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें बीटा की जरूरत होगी. बीटा भीठा नहीं, बीटा, इस बीटा की जरूरत होगी क्योंकि ये हमारा जो पीएच होता है आप लोगों को पता है क्यूएच एंड आरएच के जो है ना वेक्टर सम के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बार बार रिपीट करना भी बहुत बुरी बात होती है, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं बुरा करूंगा ताकि आपके साथ बुरा ना हो. cos बीटा, हाउ टू फाइंड बीटा ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं. बीटा निकालो और फ्रेंड्स पीएच निकालो. पीएच निकालते समय क्यूएच और आरएच तो वही रखना है. क्यूएच निकाल लो, देखो क्यूएच कैसे निकाला जाता है. हमने फाइ निकाला, हम जानते एस प्राइम इज इक्वल टू एस प्लस पी एच साइन अल्फा. एस ऑलरेडी गिवेन इन द प्रॉब्लम, ओके. पी एच साइन अल्फा, अल्फा इज 10 डिग्री इन दिस केस बिकॉज पुल इज एंगल्ड बाय 10 डिग्री फ्रॉम द लाइन ऑफ ट्रेबल, ओके. सो अब एक्सप्रेशन आपका कितना हो गया, दिस इंटू पी एच, पी एच में आ गया. क्यू एच की अगर हम बात करते हैं, क्यू एच एस प्राइम स्क्वायर प्लस म्यू एच प्राइम होल स्क्वायर, एस प्राइम कॉमन लो, ये निकल गया s प्राइम के टर्म में आ गया, ओके. यहां से s प्राइम अभी जो आप निकाले हो ना s प्राइम, इसको उठा के लाके यहां पर डाल दो तो अब पूरा का पूरा जो है ना qh जो है ना ph के टर्म में आ गया. qh जो है ना ph के टर्म में आ गया. बीटा निकालो, qh निकल चुका है, ph ph है ही, अब जो है ना खत्म कहानी कर दो. ph स्क्वायर, ph स्क्वायर इज इक्वल टू rh स्क्वायर प्लस qh स्क्वायर, 2 rh qh cos बीटा. rh इज नोन एंड qh इज ऑब्टेंड विथ पी एच, पी एच के टर्म में जो है ना हमने यहाँ पर ऑब्टेंड किया है और इसकी वैल्यू था ही. बीटा निकाली लिया, पूरी इंटायर इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा. पी एच को फाइंड कर लो, जैसे ही पी एच आ जाएगा पी एच कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू ड्राफ्ट, दिस इज योर ड्राफ्ट 2.73 एंड विदाउट साइड ड्राफ्ट, विदाउट साइड ड्राफ्ट ड्राफ्ट वॉज 1.96 किलो न्यूटन. वेन पुलिंग फोर्स इज एंकल्ड बाई 10 डिग्री draft requirement increases to this value. Increase in draft force is very simple. Now friends, we stop this session here. If you have doubt, I will upload this video will be in private mode very shortly and I will provide its recorded version on Transysi website. It's PPT, PDF on the same platform. Aap wahan se short notes banao. Ready your test ke liye, live test aane wala hai. Cost of use, फील्ड एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, एमबी प्लाउ, कुछ और प्रॉब्लम इसका कवर करते ही. तीन लगातार लाइव टेस्ट होंगे, 3 डेज लाइव टेस्ट. मिस करना मतलब आत्महत्या, और आत्महत्या नहीं करेंगे मेरे भाई लोग. नाउ वेस्ट ऑफ दिस सेशन. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मेरे साथ दिया.